सुल्तानपुर से बड़ी खबर। रानीपुर गांव में दिन दहाड़े एक छात्र की हुई हत्या। धारदार हथियार से आयुष शुक्ला की गई हत्या। हत्या के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। गांव में सड़क किनारे ट्यूबवेल में मिली आयुष की लाश। आयुष की खून से सनी लाश देख बौखलाया परिवार। सुबह मोबाइल पर आई कॉल पर बाग में किसी से मिलने पहुंचा था आयुष। मौके से गायब मिला आयुष का मोबाइल। वारदात की खबर से पूरे इलाके में फैली दहशत। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर लाश को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के रानीपुर कायस्थ गांव का है मामला। सुल्तानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के रानीपुर कायस्थ गांव में 20 साल के आयुष शुक्ला की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं वारदात की जानकारी मिलते ही आयुष के परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक आयुष को सुबह किसी ने कॉल कर मिलने के लिए बुलाया था। वहीं दोपहर तक वापस न आने से परिवार ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। इसी बीच एक बच्चे ने परिवार को आकर आयुष के बारे में बताया, जिसे सुनने के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आयुष की लाश सड़क किनारे मौजूद ट्यूबवेल में मिली। उसकी खून से सनी लाश देखकर परिवार में कोहराम मच गया। आसपास देखने पर पता चला कि आयुष को कई लोगों ने मिलकर मारा है। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।